लेकिन मेरे हकों को हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आज अपने इस व्लॉग में। अभी आप लोग देख सकते हैं मैं आ रखा हूं मिथिला हाट, और मिथिला हाट में आए हैं क्या बोलते हैं बोटिंग करने। इससे पहले का नज़ारा आप देख चुके होंगे, अभी हम लोग हैं बोटिंग कर रहे हैं। और आइए मैं आपको यहाँ की कुछ जानकारी देता हूँ। यहाँ कुछ खास नहीं है, 30 रुपये की टिकट है, और बाकी अंदर जो सामान इतना महंगा है, और मतलब बिहारियों के लिए यहाँ बहुत महंगा है। बाकी अगर कोई बाहर से आ रहा है जिन्होंने लकड़ी का सामान नहीं देखा है तो उनके लिए ठीक है। यहाँ बांस का कुर्सी जो है वो 4000 रुपये का है, और आधी खुद से बनाया तो 100 रुपये का बांस आता है, और 400-500 हज़ार में बांस बन जाए। क्या दोस्त गलत बोल रहे हैं क्या? उनकी तरफ कैमरा घुमा दीजिए भाई लोग की तरफ। हाँ, लाइक करो शेयर करो। बाकी हमारे भाई सब पीछे हैं, ये भाई नाव चला रहे हैं, और नाव का टिकट का है तकरीबन 50 रुपये एक राउंड का है। बिना पूछे उन्होंने 2 राउंड का टिकट काट दिया। ठीक, बाकी चाचा सलाम वालेकुम। बाकी मतलब यहाँ पे नॉर्मली अगर आप आना चाहते हैं तो लोग आस पास के लोग आ सकते हैं यहाँ पे। बाकी दूर से जो मेरे मतलब मेरे इलाके से सुपौल से आते हैं, अररिया से आते हैं, तो आप लोग वहाँ बेवकूफ़ हैं। आपके इससे अच्छा कहीं और जाए, इधर ना आए, क्योंकि ये लोकल के लिए ठीक है और आम आदमी इधर के लिए ठीक है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो नॉर्मल यहाँ के लोगों के लिए ठीक है, और मतलब कि फंड के लिए अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पे, लोकल हैं आप तो आ सकते हैं। बाकी थोड़ा सा इधर काफ़ी कॉस्टली है, नॉर्मल रेट से ज़्यादा है यहाँ पे हर चीज़ के रेट। और बाकी अच्छा बना रखा है, मतलब कि इंटीरियर जो है यहाँ का काफ़ी बाहर के देशों से के लगभग उससे मतलब उससे कॉपी किया गया और उसी अच्छे में बनाया गया है। बाकी यहाँ और मैं बता दूँ यहाँ के लोगों के बारे में बता दूँ, जो बोट पर सही से नहीं बैठ रहे है ना, बोट पर कुछ ना कुछ मतलब सही से नहीं बैठ रहे, जैसे कि नाव के इधर करना उधर करना, कैमरा उधर दिखा दीजिए। ठीक, इससे क्या होगा कि आप पलटेंगे इधर सीधा हरिद्वार, क्या हो सही बोला ना? हाँ, नाव वाले भैया हमारे सही बोल रहे हैं। और ठीक है, आइए एंजॉय करिए, बस यही है, और कुछ खास तो नहीं है, बस मेरे लिए कुछ खास नहीं है। बाकी जितने भी यूट्यूबर यहाँ मिथिला के दरभंगा के जिन्होंने यहाँ पढ़ा चढ़ा के दिखाया भाई ये है वो है, तो वो सब वहाँ बेवकूफ़ थे भाई। ठीक है, चलिए रखते हैं। मेरा था मछली था वो। आओ आधा राउंड तो बीच में से काट देते हैं, वहां से ले जाइए। हां
भैया जी, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार सिंह। हाय कर दीजिए, हाय कर दीजिए। ऐसे लोग आते हैं फोटो वोटो खिंचाने के लिए, और हमारे भाई यहाँ पे तो खाली जी, कुछ बोलना चाहेंगे आप? मजा आया आपको? धूप से परेशान है क्या, मजा आया? मैं सोचा था कुछ अच्छा होगा, लेकिन एकदम बकवास निकला है, तो निकला आग। खाली नाम का है? हाँ, लाइफ में पहली बार आया था यहाँ पे, लेकिन अब दोबारा क्या मौका मिलेगा यहाँ आने का? आएगा मौका, मिले तब भी नहीं आऊंगा। यहाँ पे दोस्तों आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं, ये मतलब कि बिहार का कल्चर दिखाता है, बट बिहारियों के लिए नहीं है, क्योंकि बिहारियों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाती है। आप देखा जाए तो यहाँ पे खाना वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव है, चीज़ें काफ़ी महंगी है, और मतलब कोई बाहर से अगर कोई आता है घूमने फिरने, उनके लिए अच्छा है, तो उन्हें नया एक्सपीरियंस मिलेगा, बट हम लोगों के लिए, हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हमारे लिए तो ये सब आम जिंदगी का पार्ट है, ये सब बांस लकड़ी वगैरह उसमें मेरे हम लोग का आम जिंदगी का पार्ट है। बाकी खैर, मिथिला हाट खुला है, तो आइए घूमिए, और अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर करिए। ग्राउंड फ्लोर जाएगी वैशाली में, अच्छा लोकेशन।